जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हुकूमत की हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब 75वीं जश्न आजादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आजादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे। अभी भी 25% महंगाई की शरह जो है वो हमें हुकूमत खुद बता रही है। और अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में चले जाएं, जिसमें खुराक के बहुत सारे आइटम्स हैं, तो वो कहीं 35% पे चली जाती। यानी इसका मतलब है कि जो इमीडिएट हमारा डिफॉल्ट था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। और सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे वो भी वहां पे मौजूद थे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के जलसों को क्या कहते थे, उसके लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, मुजरों का। इमरान खान के जलसों को नाच गाने की महफिलों से तशबीह देते रहे। अब उनकी जात और उनकी जमात पर जब उंगलियां उठी हैं तो अपने दिफा में देखिए कि क्या फतवा ये जारी करते हैं और वो उसकी जो भी दलील दें। मगर अब तो इस बेशर्मी, इस बेहूदगी पर मारूफ आलम दीन भी बरस पड़े हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस डांस महफिल पर बरहमी का इजहार किया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी यौमे आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्द जन का मखलूत रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? अब ये इतना गैर महज़ब, गैर मयारी जो डांस है, डांसर्स को बुलाकर उनको नचवाया गया, शायद ये लोग अमरीका की सकाफत हम पे मुसलत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ये हुकूमत तो इम्पोर्टेड है जो मुसलत की गई, तो इसीलिए उन्हीं की सकाफत पाकिस्तान पर मुसलत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान बशमूल ख़वातीन शामिल थीं। और नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों का हाल आप देखें कि बलूचिस्तान और सिंध में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए और इसके लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। 35% सालाना इजाफा दिखा रही हैं जो कीमतें हैं खुराक की, खास तौर के ऊपर। तो अच्छी खबरें तो बहुत हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो महंगाई की हकीकत है। और एक और हकीकत यह है कि जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो बड़ी तेज़ी से गिरे हैं और अब 7.8 बिलियन पे हम कहीं बैठे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और हमारे पास कोई 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा के इम्पोर्ट के पैसे नहीं हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टेट बैंक को मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्रेडिट देना चाहिए कि उसने रुकावटें खड़ी की हैं इम्पोर्ट के रास्तों में और इम्पोर्ट कम हुई है, उसके नतीजे में भी रुपया जो है वो स्ट्रांग हुआ है। लेकिन वो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल, यानी कि क्या जो ये रुकावटें स्टेट बैंक ने खड़ी की हैं ये पायदार हैं या गैर पायदार हैं? क्या हम इनको लंबे अरसे तक यही रुकावटें जो हैं इनको खड़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो मेरी ओपिनियन में तो ये पायदार नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ अरसे में हमें ये रुकावटें नीचे लानी पड़ेंगी। और अगर इम्पोर्ट कम हुई है तो उसके साथ आप ये भी देख लीजिए कि हमारा 55% जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कस्टम से आता है, हो जानी है। वैसे अगर देखा जाए, डॉलर का मुसलसल जवाल हो रहा है, रुपए का उरूज हो रहा है, दोस्त ममालिक और IMF से इमदाद भी मिलने जा रही है, लेकिन अहम सवाल ये कि इसके बावजूद महंगाई का अजाब क्यों नहीं थम रहा? अवाम को इसका फायदा पहुंचे तो फिर अवाम माने ना, महंगाई तो उतनी ही है, चीजें तो आपने सस्ती नहीं कर दी। अच्छा, मिफ्ता साहब अपने हाथ खड़े करते हुए इसके कह रहे हैं कि जी वो पेट्रोलियम मसनूआत पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी या रिलीफ नहीं दे सकते हैं। फिर बता दें कि समझ नहीं आ रही कि डॉलर अगर गिरेगा, रुपया ऊपर जाएगा, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये ज़रा हमें समझा दें। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन मिफ्ता साहब इसके बावजूद अवाम का दुख कम करने को तैयार नहीं है कि हुकूमत मुदाखलत करती है। हुकूमत गंदम में मुदाखलत करती है, 2200 रुपये का सपोर्ट प्राइस लगा देती है, उसके बाद पास्को बीच में आ जाता है, तो 100-150 अरब रुपए का सालाना नुकसान जो है वो पैसको उसमें जमा कर देता है। फिर जब बाजार तक पहुंचता है मसला, तो वो 3000 या 4000 का 40 किलो आटा जो है वो आम आवाम को मिलता है।
इसी तरह चीनी में, गन्ने में हुकूमत कीमत फिक्स करती है, हुकूमत इजाज़त देती है कौन शुगर मिल लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता। हुकूमत की मुदाखलत एग्रीकल्चर में जब तक जारी रहेगी तो ये कार्टेल्स जो हैं, जो कार्टेल प्राइसिंग फिर हम कहते हैं कि महंगी अपनी मर्जी की अपनी मुंह मांगी कीमत जो है वो 22 करोड़ आवाम से वसूल करते हैं, जब तक हुकूमत डीरेगुलेट नहीं करती, आज़ाद नहीं करती और कंपटीशन नहीं खोलती, उस वक्त तक 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नुकसान ही नुकसान है। और जो कार्टेल बनाने वाले हैं, चाहे वो चीनी वाले हों, चाहे वो बिजली वाले हों, चाहे वो खाद बनाने वाले हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हों, उनका उनकी जेब में आप समझिए कि दौलत मुंतकिल हो रही है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से निकलती है और उनकी जेब में ये चली जाती है। मगर इसका मतलब दो चीज़ें नहीं है, ना महंगाई की कमी आएगी और ना हमारा मुस्तकबिल 23 का जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। तो ये आप समझे कि ये एक टेम्परेरी जो हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया था वो रिजॉल्व हो गया है और पाकिस्तान 2022 में 22-23 में किसी डिफॉल्ट में या किसी परेशानी में नहीं है, मगर 23-24 और आगे 24-25 में जो हमारी परेशानियां हैं मौजूद है। मतलब ये हुआ सर कि चाहे डॉलर कम हो जाए या आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम हो जाएं, पाकिस्तान की आवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचेंगे। नहीं, देखिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये डॉलर जो ऊपर 240 तक चला गया था वो स्पेकुलेशन की वजह से था और एकदम बाइंग आ गई थी, तो नेचुरल अमाउंट तो वैसे भी इसका 200 से आसपास ही है, तो 200 पे आके रुक जाएगा। तो मगर महंगाई का जो फर्क है वो शायद बहुत माइनस आएगा, मगर गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस नहीं है कि आगे जिसको प्रोवाइड कर सके, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, इसलिए महंगाई वगैरह सेम रहेगी। ये सिर्फ आप ये समझें कि हम बिल्कुल एकदम जो गड़े में गिर गए थे वहां से बाहर नहीं गिर रहे हैं, मगर ये नहीं समझा जाए कि हम इससे सही हो। ये जो 35% पर महंगाई खड़ी है, फिर मिनी बजट भी हुकूमत लेकर आ रही है और अब शेपर साहब आप जानते हैं कि नए टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है आवाम पर, तो आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मिनी बजट ला रहे हैं इसमें ये 200-250 बिलियन रुपीज का कोई टैक्स लगाएंगे, 200-300 बिलियन तक रुपीज के, तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो आज जो लाने वाले हैं या कल आएगा वो बेसिकली ट्रेडर वाला मसला था उसको हल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली या बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये ज़रूर है कि जो महंगाई का ट्रेंड चल रहा था वो बढ़ रहा है और कोई कमी का रुझान नहीं नज़र आ रहा हमें, ये रियलिटी है, इसमें कोई हकीकत है तो कोई नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है ये टेम्परेरी है और अगर जो अगली हुकूमत होगी, जो मईशत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि महंगाई 13-35% पर पहुँच गई, डॉलर जो है वो बढ़ा और अभी भी 210 पे खड़ा है, अब वो कितना कम होता है कितना नहीं होता है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, सरमायाकार परेशान, तो सर आने वाली हुकूमत के लिए मईशत को संभालना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में? क्या है आ गया है इस वक्त के अभी जब ये IMF का मसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अक्टूबर अगस्त के मिडिल एंड में, तो फिर बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑयल की प्राइसेस को किस तरह रिलेट करना है बैरल के साथ और वो आएगा, मतलब तो ये चीजें अभी सेटल होनी है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त से डिसीजन मेकिंग पावर की बड़ी कमी है और वो शायद चीजों को समझ नहीं रह पा रहे हैं अब, मगर वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सेटल होंगी, मगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो खड़ी हुई है वो चीज़ों को ख़राब कर रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कंफ्यूज हो चुकी होती जा रही है ग्रेजुअली। तो मैं तो कल भी मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हम तो ये छोटी मोटी बात कर रहे हैं ना कि आज क्या होगा कल क्या होगा परसों क्या होगा, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जब 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे और एक गवर्नमेंट आएगी और वो भी इस तरह की कमज़ोर गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान को अगर सही होना है तो हमें एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके। अब देखिए वो किस तरह होता है ये आपको हमें देखने वाली बात है। बावजूद महंगाई का अजाब कम नहीं हो रहा है, क्या इन्होंने फिर कोई दो नंबरी लगाई है? देखिए आपको याद होगा कि क्या हुआ लास्ट टाइम जब ये थे, इसहाक डार ने आर्टिफिशियली डॉलर को मैनेज किया जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया, जिसकी वजह से कर्जे बढ़ते गए, जिसकी वजह से वो जो 5.9 ग्रोथ थी वो एकदम बबल की तरह बस्ट हो गई और सब सारी एजेंसीज ने नेगेटिव करार दिया 2018 में। अभी भी ये वो हो रहा है कि जी आपने आर्टिफिशियली बढ़ाया, अब आर्टिफिशियली उसको रोक रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे जा रही है, फैसलाबाद आपका बंद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 38% आपकी महंगाई है, तो मुझे बताए कि किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
ये वो अवाम नहीं है, ये अवाम जाग गई है। इमरान खान ने अवाम में शूट डाल दिया है। ये अवाम क्या क्या करेंगे? एक को गिरफ्तार करेंगे तो ये 22 करोड़ अवाम का क्या करेंगे? किस किस को गिरफ्तार करेंगे? पाकिस्तान में इस्लाम में कहते हैं कि डांस और मुजरा इस्लाम के खिलाफ है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने आज़ादी वाले दिन 14 अगस्त को जमकर डांस कराया, जिससे फैजा खान भड़क उठी है। पाकिस्तान में महंगाई अभी भी इतनी ज़्यादा है, वैसे तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दिन ब दिन सही होती जा रही है, सब तरफ से पाकिस्तान को पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई पर पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तानी आवाम काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी घटकर 7.8 बिलियन डॉलर के रह गए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।